कांग्रेस पार्टी ने आज अपना 137वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इसी के चलते प्रदेश भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए और कांग्रेस के इतिहास पर चर्चा की गई। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना 137वां स्थापना दिवस मनाया। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी ध्वज फहराकर स्थापना दिवस मनाया और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। राठौर ने कहा कि देश की आजादी और नव निर्माण में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अहम भूमिका रही है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज भी देश में विपक्ष की भूमिका में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि आज जो लोग सत्ता में हैं वह देश की एकता अखंडता को तोड़कर देश को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मजबूत हो रही है। आने वाले समय में पार्टी फिर से सत्ता में काबिज होकर देश के विकास को आगे बढ़ाएगी। एक मुबारक दिन कि 137 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने सफर के पूरे किए हैं। एक बहुत लंबा चौड़ा हमारा गौरवमय इतिहास रहा है। 1885 में अस्तित्व में हम आए, उसके बाद देश की आज़ादी और आज़ादी के बाद देश के नव निर्माण में कांग्रेस पार्टी ने एक अहम भूमिका निभाई है। आज हमारे जो सेवा दल का भी 98th स्थापना दिवस है, मैं सेवा दल के साथियों को भी बधाई देता हूं। और ये सफ़र कांग्रेस पार्टी का संघर्षपूर्ण रहा है। देश की एकता और अखंडता के लिए जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बलिदान दिए हैं, उन बलिदानों को जो है देश की जनता कभी भूल नहीं सकती। और आज भी हम एक प्रमुख विपक्षी दल का निर्वहन कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम जानते हैं कि आज बहुत बड़ी चुनौती इस देश के सामने, कांग्रेस जनों के सामने, क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये देश की एकता, देश की अखंडता, देश को बांटने का प्रयास करें। आज सबसे बड़ा खतरा जो है देश में लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान की रक्षा का है। हम आज जो हमने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया, हम सब इस बात को लेकर भविष्य में सचेत रहेंगे कि इस देश की एकता और अखंडता, जिसके लिए हमारे बड़े नेताओं ने बलिदान दिए, हम इसे बनाए रखें। देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस जन जो है किसी भी बलिदान के लिए भविष्य में भी तैयार हैं। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी सोलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेसियों ने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सभी को एकजुटता का संदेश दिया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगामी 2022 के चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज एकजुटता का प्रण भी लिया। जिला कांग्रेस कमेटी सोलन द्वारा आयोजित आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में हुई थी, उस समय जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेकर इसकी स्थापना की गई थी, उस समय के माहौल को देखते हुए जो 72 डेलीगेट्स जो पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने के लिए संगठित होने का निश्चय लिया और इस सोच को आगे बढ़ाया हमारे वरिष्ठ नेताओं ने। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने आज़ादी से पहले जो है जिन्होंने संघर्ष किया आज़ादी के लिए, और हमारे जो कांग्रेस के नेता शहीद हुए। आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज हमने सभी ने संकल्प लिया कि आज वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक व्यवस्था मौजूद होने के बावजूद आज सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है और सरकारी एजेंसियों को जनता की आवाज़ दबाने के खिलाफ जो है वो काम किया जा रहा है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार और सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।